नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक इसके 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं फोर्स के। आज ये 5वां लेक्चर है, उत्प्लावक बल या बोयंट फोर्स क्या होता है। चलो, ये बल समझने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज में, हमने एक 5 kg का ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पर हमने कोई पात्र लिया है और इसमें हमने कोई वाटर भरा, जल को भरा, और हमने इसको वाटर को इस तरह से भरा कि अगर इसमें कोई वस्तु आती है तो ये पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसी तरह से हमने भरा है कि अगर इसमें कुछ भी, मतलब कोई भी वस्तु अगर इसमें डुबाई जाती है तो यहाँ से वाटर निकल के इस वाले, मतलब छोटे से पात्र में आ जाएगा। तो हमने देखा, हमने 5 kg का ये जो बॉडी है इसको हमने यहाँ पर डुबाया इसमें। तो हमने देखा कि जब इसको 5 kg के इसको बॉडी को जब हमने इसमें डुबाया, तब यहाँ से देखा हमने कि 2 kg का दो केजी ऑफ वाटर यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब यहाँ से निकल गया। तो बच्चों देखना एक बार, जब हमने यहाँ पर सबसे पहले जब हम यहाँ पर मेजर किया, जब हमने इसका वेट किया, तो यहाँ पर वेट कितना आ रहा था, 5 kg आ रहा था। अब हमने जब मेजर किया इसको, जब यहाँ पे पानी में हमने देखा तो इसका वजन कम आ रहा है। जब हमने इसका वापस वजन किया तब इसका वजन कितना आ रहा है, 3 kg वजन आ रहा है। ये क्यों हुआ, ये हल्का कैसे हो गया? ये यहाँ पे हवा में, एयर में तो इसका 5 kg वजन आ रहा था और बॉडी तो यही है, पानी में जाने पर इसका वजन कम कैसे हुआ? तो हमको पता लगा कि यहाँ पर कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, इसने 2 kg ऑफ वाटर, है ना, 2 kg ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे 2 kg वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया। उतना 2 kg बल 2 kg का जो फोर्स है इसके अपोजिट लगेगा। देखो बच्चों ध्यान रखना, जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना का उतना फोर्स इसके क्या होगा, अपोजिट लगेगा। बस इसीलिए ये क्या हो गया, हल्का हो गया। मान लो कि ये 3 kg, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतना का उतना फोर्स लगेगा। देखो ये वाटर क्या बाहर ही तो है, और बाहर क्या होता है, हमने पढ़ा बाहर भी एक तरह से फोर्स होता है, ठीक है। तो ये इतना कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर हमने जब यहाँ पर हम वापस वजन करेंगे तो ये 3 kg का। इसलिए उत्प्लावक बल क्या होता है, ये ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतना का उतना ऊपर की ओर जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये 2 kg जो वाटर है, ये 2 kg फोर्स लग रहा है, इसे भी हमने क्या बोल दिया, इसे भी हमने बोल दिया उत्प्लावक बल, या है ना, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से ही वाटर में, जल में, लिक्विड में, या अपन बात करते हैं वाटर में, वस्तुएं हल्की लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाटर में वस्तुएं हल्की लगती है, वाटर में वस्तुएं हल्की महसूस होती है, हल्की महसूस होती है, तो किसके कारण? तो ध्यान रखना, बोयंट फोर्स की वजह से या उत्प्लावक बल की वजह से के कारण, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था आर्कमिडीज ने, इसलिए इसको आर्कमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये आर्कमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने इसका प्रिंसिपल दिया था, इसलिए इसका आर्कमिडीज का प्रिंसिपल भी कहते हैं। जितना वाटर जितना लिक्विड डिस्प्लेसमेंट करेगा वो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। आपने एक बार देखा होगा, ये बाहर नीचे की ओर लग रहा है और उत्प्लावक बल हमेशा वेट के अपोजिट लगेगा। यहाँ पर वेट नीचे की ओर, तो उत्प्लावक बल हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा बाहर के विपरीत लगेगा, बाहर के विपरीत लगेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इसको। तो उत्प्लावक बल हमेशा और हमेशा और हमेशा बाहर के वेट के अपोजिट लगेगा, ठीक है, ये हमने देखा है। अब नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके उत्प्लावक बल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हम उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कंडीशन बता रखी है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन में देखा है। यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने ये कोई पत्थर ले रखा है, तो
आपने देखा होगा कि इस पत्थर का ज्यादा हिस्सा या कुछ भी इसने कोई ले रखा होगा, तो इसका अराउंड काफी हिस्सा मतलब क्या है, जल के अंदर है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर उत्प्लावक बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बिग बॉयंट फोर्स यहाँ पे लिख रखा है। क्यों? क्योंकि बिग पोर्शन ऑफ द बोल्डर सबमर्ज्ड, ज्यादा इसके पानी के अंदर है। जितना ज्यादा पानी के अंदर होगा, जितना पोर्शन ज्यादा वाटर के अंदर होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर बॉयंट फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये उतना यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर देखा होगा, नेक्स्ट देखो सेकंड वाली कंडीशन में, कि ये थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना, सबमर्ज्ड पानी के अंदर जो ये पोर्शन है इसका, ये थोड़ा सा भी घट गया या कम हो गया। इसका मतलब बॉयंट फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके पहले वाले के कंपेरिजन में। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा कम हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा इसका कम हिस्सा और बचा है, मतलब थोड़ा सा कम हो गया हिस्सा और, तो इसका पोर्शन थोड़ा कम हो गया, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द बोल्डर सबमर्ज्ड, तो यहाँ पर जो उत्प्लावक बल होगा, हालांकि लगेगा उत्प्लावक ऊपर की ओर, लेकिन ये कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोयंट फोर्स है, जो उत्प्लावक बल है वो कम हो गया। यहाँ पर ज्यादा है बिग बोयंट फोर्स, यहाँ पे स्मॉल बोयंट फोर्स। रीजन, यहाँ पर ये ज्यादा हिस्सा है अंदर, इसका मतलब आप जितना वाटर के अंदर रहोगे, जितना ज्यादा आपका जो सिरा या आपका जो पोर्शन है वो वाटर के अंदर रहेगा, उतना आप ज्यादा हल्के महसूस करोगे। जितना आपका वजन कम रहेगा, आपका पोर्शन कम रहेगा वाटर के अंदर, उतना आप ज्यादा भारी महसूस करोगे। ये भी एग्जाम्पल, जब अपन बात कर रहे थे, जैसे मान लो कि आप कोई यहाँ पर स्विमर है, ठीक है, तो आपने अपने थ्रस्ट फोर्स की बात कर ली थी। हमने देखो, वेट तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, ये हमने बात की थी, ठीक है ना, और वेट के अपोजिट क्या लगेगा, वेट के विपरीत क्या लगेगा, यहाँ पे उत्प्लावक बल लगेगा, यहाँ पर उत्प्लावक बल लगेगा। ठीक है, ड्रैग फोर्स की हमने बात कर ली थी। तो यहाँ पर देखो एक बार, जो वो स्विमर है, तो इसका जो ये हिस्सा है वो, जैसे ये वाटर का सरफेस है, इधर वाला पोर्शन है ये देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाटर के अंदर है, अपन बोल सकते हैं सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इतने वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, तो जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उतना उतना ये उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगेगा, तो ये थोड़ा इसका शरीर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उत्प्लावक बल का कंसेप्ट काम आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक सिंपल टॉपिक था, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था इसको, और अलग से इसलिए लिया कि ठीक है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं बना, बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, बहुत ही कम ड्यूरेशन का बनाया, लेकिन ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियोज है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको छोड़ने नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है ये, कई बार परेशान कर देते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है उत्प्लावक बल क्या होता है, सिंपल तरीके से समझना है, और जितना वाटर को या जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतना उतना यहाँ पर उत्प्लावक बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर हमारा गति का, ये देखो सॉरी, ये फोर्स का पार्ट नंबर 4 हो गया, ये छठा वीडियो बनेगा हमारा, छठा लेक्चर बनेगा। इसमें हम देखेंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है और टेंशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, और फिर हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को, ये कॉन्टेक्ट फोर्स को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट होगा उसमें हम बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, है ना, न्यूक्लिक फोर्स हो गया, उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा कोर्स का पार्ट 6, और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी टेंशन फोर्स की, तनाव बल क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहे, और ठीक है, आपका लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, वही हमको आगे मतलब मोटिवेट करता है आगे के लेक्चर बनाने के लिए। तो थैंक यू, अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।